माता की, भारत माता की, भारत माता की। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। चौथा चरण जब खत्म होगा, गठबंधन को, समाजवादी पार्टी और गठबंधन को यहाँ की जनता पूरा बहुमत दे चुकी होगी। प्रथम दो चरण के मतदान ने साबित कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने वाली है, प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है। ओबीसी समाज से बीजेपी ने हिंदुत्व के नाम पर वोट तो लिया, मगर दिया बाबा का राज, ठाकुरवाद दिया। अगर काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे, और काका का मतलब है काले कानून। इनको सिर्फ अपना चाचा, भतीजा, भतीजे का बेटा, बेटे का पोता, पूरा खानदान नजर आता है। उसके अप्पा जान समाजवादी पार्टी के प्रचारक हैं, यानी सपा का हाथ आतंकवादियों के साथ। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीजेपी के बूथों पर भूत नाचेंगे, कोई आदमी नजर नहीं आएगा। लक्ष्मी जी जब घर में आती है, हाथी पर बैठकर घर में नहीं आती, साइकिल पर बैठकर नहीं आती। जब लक्ष्मी जी घर में आती है तो कमल के फूल पर ही बैठकर लक्ष्मी जी घर में आती है। मोदी जी और योगी जी लंबी लंबी छोड़ते हैं, इनके छोड़ने में मत आइए। करंट लग रहा है कि नहीं लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा उसको करके दिखाया। मोदी जी, योगी और अखिलेश को क्या करेंगे, क्या देंगे? तला तला तला, फाइनल हिस्सा खत्म। यूपी के युद्ध में बिजली दौड़ रही है, गर्मी दौड़ रही है, दहशत गर्दी दौड़ रही है, और चाहे वो कमल के सिपाही हो या फिर साइकिल की सवारी, सबको यही लग रहा है कि उनकी रफ्तार के आगे कोई नहीं है। साइकिल को न पेट्रोल न डीजल की जरूरत, केवल पैडल और मेहनत की जरूरत है। इस बार साइकिल की कोई रफ्तार नहीं पकड़ सकता। पहले और दूसरे चरण में शतक लगाने का दावा किया जा रहा है, और चौथे चरण तक बहुमत हासिल करने की बातें हो रही हैं। एक तरह से जनता के दिमाग में भरा जा रहा है कि सियासी हवा जिस ओर बह रही है, उसी ओर आगे के वोट पड़े, लेकिन संशय बरकरार है। तभी तो एक दूसरे पर झूठ बोलने से लेकर दहशतगर्दों का साथ देने तक के आरोप लग रहे हैं। कल अहमदाबाद के एक न्यायालय के द्वारा उस आम फैसले से स्पष्ट हो जाता है, जिस फैसले में अहमदाबाद के सीरियल ब्लास्ट में दर्जनों लोग मारे गए थे, और जो आतंकवादी उस घटना को अंजाम देने वाले थे उसमें से कुछ उत्तर प्रदेश के भी थे। उत्तर प्रदेश के आतंकवादियों में से आजमगढ़ का एक आतंकवादी, उसके पिता यानी उसके अप्पा जान समाजवादी पार्टी के प्रचारक हैं, यानी सपा का हाथ आतंकवादियों के साथ। सरीसर दिखाई दे रहे हैं और हर रंग का झंडा में दिखाई दे रहा है। नीला झंडा है, लाल हरा है, कम नीला है, महान दल का भी है, ओम प्रकाश राजभर जी का भी है। हम समाजवादी लोग सब रंगों को साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। ये एक रंगी लोग कभी हमारे देश को आगे नहीं ले जा सकते। ओवैसी आज माधोगढ़ को आकर आपसे अपील कर रहा है कि बीजेपी और सपा को तलाक तलाक तलाक। एक तरफ मजहबी तकरीर है, तुष्टीकरण के आरोप हैं, तो दूसरी तरफ बिजली और छुट्टा जानवर को बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, क्योंकि ये वो दो बड़े मुद्दे हैं जिसका पहले और दूसरे चरण में काफी असर देखने को मिला है। यही वजह है कि अगर इन दो मुद्दों पर समाजवादी पार्टी ऑफेंसिव होती है तो बीजेपी डिफेंसिव खेलते हुए आक्रामक होती है।
इधर आपने देखा होगा बिजली का बिल जब आता है तो करंट लग रहा है कि नहीं लग रहा है। बिजली महंगी कर दी बाबा मुख्यमंत्री ने और बीजेपी के लोग ने, एक भी बिजली का कारखाना नहीं लगाया है, बिजली नहीं बनाई, केवल बिजली के बिल भेज रहे हैं। जब से समाजवादियों ने 300 यूनिट फ्री कहा है, भारतीय जनता पार्टी की बिजली गुल हो गई है और ट्रांसफार्मर फूक गया है। अगर ईद और मुहर्रम है तो बिजली आएगी, और अगर होली और दीपावली रहती थी तो बिजली नहीं आएगी। यही तो होता था, 2017 के पहले बिजली मिलती थी, आज तो भेदभाव नहीं होता है ना। आज चाहे होली हो, दीपावली हो, ईद हो, मुहर्रम हो, क्रिसमस हो, 24 घंटे बिजली रहती है। और रही बची भाप, ये हमारे बीएड टेट वाले लोग, 69,000 वाले शिक्षा मित्र वाले, ये बीएड से लेकर के इन्हें कितना लड़ना पड़ा है, बताओ आप लोग भाप निकालोगे कि नहीं निकालोगे। आज वंदे मातरम में हम तीसरे चरण के मुद्दों की बात करेंगे, पश्चिमी यूपी से लेकर बुंदेलखंड तक सियासी बयार की बात करेंगे, आपको बताएंगे कि गंगा जमुनी तहजीब लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित कर रही है या फिर ध्रुवीकरण के सहारे नैया पार लगने वाली है। ओबीसी समाज से बीजेपी ने हिंदुत्व के नाम पर वोट तो लिया, मगर दिया बाबा का राज, ठाकुरवाद दिया। इनको वोट चाहिए मगर राज अपने परिवार का चाहिए। इनको सिर्फ अपना चाचा, भतीजा, भतीजे का बेटा, बेटे का पोता, पूरा खानदान नजर आता है। हम ओवैसी के गणित को भी समझेंगे, जो पहले 100 सीटों पर ही चुनाव लड़ने वाले थे लेकिन अब जन अधिकार पार्टी के साथ मिलकर ओबीसी वोटों को साधते हुए 300 से ज्यादा सीटों पर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के नाम पर यूपी के युद्ध में हैं। लोग मुझे क्यों बदनाम करते हैं? क्योंकि मैं कड़वी सच्चाई को खुलकर बयान करता हूं। पर दो बार यदि हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है तो होली और दिवाली पर मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा, मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर मुहैया कराएगा। पार्टियों ने पूरा जोर लगा दिया है क्योंकि सियासी पंडित मानते हैं कि अगले दो चरणों में ही फैसला हो जाएगा कि कौन लखनऊ के सफर पर निकल रहा है और कौन अपने घर के लिए वापसी करने वाला है। आज हम इसी की पूरे एनालिसिस से आपको रूबरू कराएंगे। भगवान राम ने क्या कहा था? निस्सरहीन करो वही भुज उठाए प्रण कीन। और भगवान कृष्ण ने भी तो यही कहा था कि परित्राणाय साधु नाम बिना सायच दुष्कृताम। और यही संकल्प लेकर के हम लोग भी निकले हैं। नमस्कार, वंदे मातरम, आप देख रहे हैं जी हिंदुस्तान, मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। मेरे दिल में हिंदुस्तान सिर्फ राष्ट्रहित की खबरें ही हैं, मेरी पहचान। मैं लेकर आया हूं आपके सामने देश का सबसे बड़ा शो वंदे मातरम, जिसमें मैं मकसूद खान सिर्फ और सिर्फ देश हित की बात करूंगा, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रहित की बात करूंगा। और हम कह रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की, यूपी के युद्ध की सबसे बड़ी कवरेज हम जी हिंदुस्तान पर ला रहे हैं। और मैं मकसूद खान इन तमाम सियासी खबरों का डिटेल एनालिसिस करूंगा सीधे कासगंज से। हर रोज वंदे मातरम में मेरे तमाम सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ते हैं। आज मैनपुरी से मेरी सहयोगी मीनाक्षी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, कानपुर से हैं अंजीत श्रीवास्तव, फरुखाबाद से हैं लवीना राज और झांसी से हैं करिश्मा सचदेव। मेरे तमाम सहयोगियों से आगे मेरी बात होगी वंदे मातरम में, लेकिन उससे पहले देखिए यूपी के युद्ध की, उत्तर प्रदेश की सियासत की आज की सबसे बड़ी खबर। और मुहर्रम है तो बिजली आएगी, और अगर होली हो
और दीपावली रहती थी तो बिजली नहीं आएगी। आज तो भेदभाव नहीं होता है ना, इसीलिए बिजली नहीं बनाई, केवल बिजली के बिल भेज रहे हैं। तीसरे राउंड में यादव लैंड के लिए जोर आजमाइश का वक्त 26 घंटे पहले ही खत्म हो गया। कल सुबह 16 जिलों की 59 सीटों पर दंगल है। हम आपको यादव बेल्ट का पूरा समीकरण भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए किस तरह चौथे राउंड के लिए पहलवानों ने जोर आजमाइश तेज कर दी है। चुनावी मुद्दे लगातार बदल रहे हैं। रैलियों में नेताओं की जुबान ऐसी हो चली है कि विरोधियों को बिजली के झटके लग रहे हैं, वो भी 403 वोल्ट वाला। ईद और मुहर्रम है तो बिजली आएगी, और अगर होली और दीपावली रहती थी तो बिजली नहीं आएगी, यही तो होता था। जरा जोर से बोलिए, मिलती थी? आज तो बिजली मिल रही होगी ना, आज तो भेदभाव नहीं होता है ना। बिजली महंगी कर दी बाबा मुख्यमंत्री ने, और बीजेपी के लोग ने एक भी बिजली का कारखाना नहीं लगाया है। ये बाबा मुख्यमंत्री और बिजली बनाने का एक कारखाना नहीं लगा पाए हैं, इसीलिए बिजली नहीं बनाई, केवल बिजली के बिल भेज रहे हैं। आज ललका सेना के सेनापति पीलीभीत में थे, चौथे राउंड के लिए माहौल बना रहे थे। सवाल वोट का था तो लगे हाथ सांढ़ की बात करने लगे। ऐलान कर दिया कि समाजवादी सरकार बनते ही सांढ़ पीड़ितों के लिए सरकारी खजाने का मुंह खोल दिया जाएगा। बताओ, हमारे बाबा मुख्यमंत्री अपना प्रिय जानवर तक नहीं पकड़ पा रहे, वो मार मार टक्कर लोगों की जान ले रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि अगर सांढ़ के सींग से मरने से किसी की जान जाएगी या जानवर के टकराने से किसी की जान जाएगी तो समाजवादी सरकार बनने पर 5 लाख उस परिवार की मदद करने काम करेंगे। सांढ़ से ललका सेना के इस प्यार की वजह उन किसानों के वोट बैंक को अपने पाले में करना है जो आवारा मवेशियों से परेशान है। दरअसल कल यादव बेल्ट में दंगल है, वहां एक तरफ अखिलेश यादव यदुवंशियों के वोट बैंक के दम पर बीजेपी को हराने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी गैर यादव ओबीसी कार्ड दाव पर आजमा रही है। सैनी, शाक्य, कुशवाहा, मौर्य के साथ लोध वोटर को एक मुस्त बीजेपी अपने पक्ष में लाने की कोशिश में है। कन्नौज, मैनपुरी, इटावा, एटा, औरैया, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद जैसे यादव बहुल जिलों में 2017 में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था, और इस बार भी बीजेपी कुछ ऐसा ही करने की सोच रही है। उत्तर प्रदेश चुनाव में मैनपुरी की करहल सीट सबसे हाई प्रोफाइल सीट बन गई है। उम्र के इस पड़ाव पर भी नेताजी को बेटाजी के लिए वोट मांगने मंच पर आना पड़ा, तो वहीं करहल से ही नेताजी के कभी शागिर्द रहे बीजेपी के SPS बघेल की जीत पक्की करने के लिए अमित शाह से लेकर CM योगी ने बड़ी चुनावी रैलियां की। पास की जसवंत नगर सीट के दंगल पर भी देश की नजर है। यहां से नेताजी के छोटे भाई शिवपाल यादव 6ठी बार साइकिल की सवारी कर विधानसभा पहुंचने की तैयारी में हैं। एक बार भाजपा सरकार बना दो, किसानों को 5 साल तक बिजली का कोई दाम नहीं देना है, मुफ्त में बिजली किसानों को। ये बीजेपी वाले बहुत झूठ बोलते हैं, ये बात मानते हो कि नहीं मानते, झूठ बोलते हैं। और सीधे रुख करेंगे फर्रुखाबाद का, मेरी सहयोगी लवीना राज फर्रुखाबाद से मेरे साथ जुड़ी हुई। लवीना, अखिलेश यादव तमाम रैलियों में महंगाई और बिजली का मुद्दा उठा रहे हैं, क्या बीजेपी के पास इसका कोई माकूल जवाब है? बिल्कुल मकसूद देखिए, और इसीलिए तो मकसूद हम कह रहे हैं ना कि समाजवादी पार्टी, उसके लिए बिजली और महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिसे साधते हुए अपने परंपरागत वोटर्स के अलावा समाजवादी पार्टी बचे हुए वोटर्स को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है, और इसके बदले में भारतीय जनता पार्टी चाहे कितनी भी सफाई दे दे। लेकिन मकसूद हम ये कह रहे हैं ना कि समाजवादी पार्टी के इस हमले का माकूल जवाब भारतीय जनता पार्टी दे नहीं पा रही है। मकसूद, इन तमाम मुद्दों से अलग यूपी के युद्ध में दरअसल आतंक की भी एंट्री हो गई है, और भगवा खेमा लगातार आतंकी के अब्बा के साथ ललका सेना की फोटो दिखाकर ये सवाल कर रहा है कि आखिर ये आतंक का कनेक्शन क्या है, अब आने वाले वक्त में इसका असर क्या होगा, उस पर नजरें तो बनी हुई हैं। लेकिन वंदे मातरम की ये रिपोर्ट आप देखिए। भारत माता की, भारत माता की,
जहां कर्फ्यू लगता था वहां पर अब कावड़ यात्रा निकल रही है। सपा का हाथ आतंकवादियों के साथ, तो जो आतंकवादियों के प्रति जिसकी संवेदना होगी क्या आप उसको समर्थन करेंगे? आजाद भारत में जलियांवाला बाग को याद दिला रही है घटना, और जो इन्होंने पाप किया है इसकी सजा भी जनता ही देगी। कल अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट पर फैसला क्या आया, यूपी के युद्ध का माहौल ही बदल गया। भगवा खेमे ने ब्लास्ट से जुड़े एक आतंकी के परिवार का तार ही लाल टोपी वालों से जोड़ दिया। भगवा ब्रिगेड के सेनापति ललका सेना के कमांडर से सीधा सवाल कर रहे हैं, तस्वीरों की सच्चाई जनता के सामने लाने की चुनौती दे रहे हैं, लेकिन बबुआ ने भी ठान लिया है कि मुंह नहीं खोलना। अहमदाबाद के सीरियल ब्लास्ट में दर्जनों लोग मारे गए थे, और जो आतंकवादी उस घटना को अंजाम देने वाले थे उसमें से कुछ उत्तर प्रदेश के भी थे। उत्तर प्रदेश के आतंकवादियों में से आजमगढ़ का एक आतंकवादी, उसके पिता यानी उसके अब्बा जान समाजवादी पार्टी के प्रचारक हैं, यानी सपा का हाथ आतंकवादियों के साथ। आतंकी कनेक्शन पर बबुआ की चुप्पी, लेकिन किसानों और बुलडोजर को लेकर मुखर हैं, जनता को जालियांवाला बाग की याद दिला रहे हैं, साथ ही वोटर के बीच काका को डिकोड कर रहे हैं। अगर ये काका गए हैं तो बाबा भी उत्तर प्रदेश से जाएंगे। ये काका का मतलब है ये बीजेपी वाले बहुत दिनों से हमें एबीसीडी सिखा रहे हैं, इनके भाषण सुनते हैं तो एबीसीडी सिखाते हैं हम लोगों को। अगर काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे, और काका का मतलब है काले कानून। चुनाव के दौरान मैंने पूरे प्रदेश के बुलडोजर को मरम्मत के लिए भेजा हुआ है, तो लोगों ने कहा क्या करेंगे इसके बाद, मैंने कहा उसका असली काम तो 4.5 वर्ष तक जो लोग अपने बिलों के अंदर छुपे हुए थे और चुनाव की घोषणा के बाद जब बिलों से आके रेंगने लग गए हैं, अब ये चिन्हित हो गए हैं। 10 मार्च के बाद फिर बुलडोजर का काम जब प्रारंभ होगा तब के लिए हम मरम्मत करवा रहे हैं, चिंता मत करो। अभी हमारे बाबा मुख्यमंत्री जो बुलडोजर की बार बार धमकी दिखाते हैं कि 10 तारीख तक मेंटेनेंस पर है, उनसे पूछिए उनका बुलडोजर अत्याचार करने वाले के घर पर कब चढ़ेगा जाकर के। ए वही तंग के दंगाई कहां चले गए, उन्हें मालूम है क्या उत्तर प्रदेश में दंगा करेंगे तो बाप दादों की सारी कमाई सरकार जब्त कर देगी और उल्टे जेल में अलग से जाना पड़ेगा। अरे बबुआ ठीक है, समझ गए, किसान मजदूरों की चिंता ने आपकी रातों की नींद हराम कर दी है, लेकिन थोड़ा देश की सुरक्षा पर भी बात कर लीजिए। आरोप सीधा है, आपकी पार्टी के साथ आतंक के कनेक्शन का आरोप लगा है, आपके विरोधियों का सवाल बिल्कुल जायज है और जनता भी सच जानना चाहती है। तो जो अखिलेश यादव बिजली और महंगाई के मुद्दे पर फ्रंट फुट पर हैं, आतंक का मुद्दा आते ही वो बैक फुट पर जाते नजर आ रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल वंदे मातरम में यहां रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद भी यही कासगंज से जारी रहेगा वंदे मातरम। आप देखते रहिए जी हिंदुस्तान। जी हिंदुस्तान पर सीधे कासगंज से जारी है वंदे मातरम, मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। मेरे दिल में हिंदुस्तान, सिर्फ राष्ट्रहित की खबरें ही हैं मेरी पहचान। और यूपी के युद्ध में लगातार बात हो रही है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की। यूपी के इस युद्ध में हर तरह के योद्धा हैं और हर योद्धा के पास
अपने किस्म के हथियार भी मौजूद हैं। हालांकि सबके बीच समाजवादी पार्टी दंगा फसाद गुंडागर्दी के नाम पर इस वक्त बीजेपी के निशाने पर हैं और इस रणभूमि में सवालों के घेरे में भी। ये रिपोर्ट। जिस चरण में वोट पड़ने जा रहा है वहाँ हमारा भी वोट पड़ेगा, हम भी चुनाव लड़ रहे हैं तीसरे चरण में, तो तीसरे चरण में तो हो गई सफाया इनका, चौथे में आप लोग कर दोगे। आजमगढ़ के लोगों ने जब भगाया तो करहल की तरफ भागे, निश्चित रूप से वो चुनाव हारेंगे और एसपी सिंह बघेल भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। उन्हें मालूम है क्या उत्तर प्रदेश में दंगा करेंगे तो बाप दादों की सारी कमाई सरकार जब्त कर देगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए मौसम बहुत खराब है इस बार। मजबूत सरकार का मतलब जिसके एक हाथ में विकास की छड़ी हो लेकिन दूसरे हाथ पर माफियाओं के छाती पर चढ़ाने के बुलडोजर का स्टेरिंग भी हो। उनसे पूछिए उनका बुलडोजर अत्याचार करने वाले के घर पर कब चढ़ेगा जाकर के। आज उत्तर प्रदेश में एक भी बाहुबली नहीं है, है तो सिर्फ और सिर्फ बजरंग बली है। और अगर एक तरफ गर्मी और भाप निकालने की बातें हो रही हैं तो तीसरे और चौथे चरण के लिए बुलडोजर भी एक बड़ा मुद्दा है, जिसके आधार पर आखिरी मौके पर फ्लर्ट वोटरों को बीजेपी ने अपनी ओर खींचा है। यही वजह है कि भगवाधारी अपने हर भाषण में माफिया दंगा और अपराध के साथ बुलडोजर की बात करना नहीं भूलते। बहुत सारे लोगों को लगता है कि विकास तो समझ में आता लेकिन बुलडोजर नहीं समझ में आया। मैंने कहा समझने में कुछ देर लगती है क्योंकि भगवान राम ने क्या कहा था, निस्सरहीन करो वही भुज उठाए प्रण कीन, और भगवान कृष्ण ने भी तो यही कहा था कि परित्राणाय साधु नाम बिना साय च दुष्कृताम, और यही संकल्प लेकर के हम लोग भी निकले हैं। जो बुलडोजर की बार बार धमकी दिखाते हैं कि 10 तारीख तक मेंटेनेंस पर है, उनसे पूछिए उनका बुलडोजर अत्याचार करने वाले के घर पर कब चढ़ेगा जाकर के। लखीमपुर में जो किसानों की जान लेने वाले लोग उनके ऊपर बुलडोजर कब चलेगा। मुख्तार अंसारी दंत नाता था कि नहीं, आजकल ये तीनों जेल के अंदर गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। वैसे यूपी के चुनाव में अब बियर और दारू की भी एंट्री हो गई है। कानपुर के किदवई नगर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कांग्रेस प्रत्याशी के नाम का एक बैग है और उसमें बियर है। ये बियर देखते हुए सच्चाई क्या है कहना मुश्किल है। ये झोला देखते हुए ये बियर बांट रहे हैं भाई साहब। लेकिन कानपुर पुलिस ने कल्याणपुर में छापा मारकर 57 पेटी शराब बरामद की है, यानी कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं दारू के दम पर वोटर को लुभाने की कोशिश चल रही है। लेकिन सबसे दिलचस्प तो वे नेता हैं जिन्हें अपनी जुबान पर काबू ही नहीं है। तो साथियों, बेगुनाहों को डंडा बरसाना, रोज पकड़ पकड़ कर नौजवानों को थाने पर बैठाना, हिसाब किताब तो चुपचाप करूंगा मेरे भाई, घबराओ नहीं, छू दिया इसको 24 वोल्ट का करंट हूँ, पकड़ लिया तो मर जाएगा तू, रुकेगा नहीं। कभी समाजवादी सरकार में बड़ा कद रखने वाले ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी अपनी विधायकी को फिर हासिल करने की कोशिश में हैं और देवरिया की पथरदेवा सीट से उन्हें टक्कर दे रहे हैं योगी के मंत्री सूर्य प्रताप शाही। जाहिर है कि टक्कर जोरदार है और त्रिपाठी जी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते, चाहे उसके लिए जुबान ही क्यों ना खराब करनी पड़े। और इस फहरिस्त में कुछ और भी नेता शामिल होते हैं। और सीधे रुख करेंगे इस वक्त कानपुर का, मेरे सहयोगी अंजीत श्रीवास्तव कानपुर से मेरे साथ बने हुए। अंजीत, लगातार हर सियासी मंच से बीजेपी के तमाम बड़े नेता लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, पहले दौर की वोटिंग से ही कितना बड़ा इम्पैक्ट इसका रहेगा। मकसूद, हम कह रहे हैं ना कि ये जो जमीन माफिया और गुंडों वाला मुद्दा है ये बहुत असरदार हो रहा है और वोटर का मिजाज बदलने के लिए कामयाब भी दिख रहा है। बीजेपी इसीलिए बार बार इस मुद्दे पर बात कर रही है और मकसूद हम कह रहे हैं ना, इसीलिए फ्लोटिंग वोटर जो है उनका मिजाज बदल रहा है और आने वाले वक्त में बीजेपी और ज्यादा इस पर बात करेगी। इधर यूपी के इस युद्ध में
तीसरे दौर की वोटिंग होने जा रही, लेकिन इस सबके बीच एक वर्ग, एक वोटर, मुस्लिम वोटर, वो वर्ग कंफ्यूज नजर आ रहा है कि आखिर वो भरोसा किस पर करे, उन पर जो नाराए तकबीर बोल रहे हैं सियासी मंच से या फिर टीकाधारियों पर। ये रिपोर्ट। सायच दुष्कृताम, और यही संकल्प लेकर के हम लोग भी निकले हैं। यूपी के युद्ध में हैदराबादी लैला ने अपना आखिरी दाव चल दिया है। रैलियों में लैला की जीप तलाक पर आकर टिक गई है, तब तो अभी यहाँ भी तलाक 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 का रट लगा रही है। ये बीजेपी और सपा को तलाक तलाक तलाक, मोदी जी, योगी और अखिलेश को क्या करेंगे, क्या देंगे, तलाक तलाक तलाक, फाइनल किस्सा खत्म। जन अधिकार पार्टी और पीएस पार्टी के साथ भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के जरिए यूपी में बदलाव का बिगुल फूंक रही लैला को अब बाबू सिंह कुशवाहा में मजनू नजर आ रहा है। तब तो वो ताल ठोक कर वो दावा कर रही है कि यूपी में योगी मोदी अखिलेश को अगर कोई रोक सकता है तो उसका मजनू है। समाजवादी पार्टी को वोट देकर आप नुकसान अपना कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी बीजेपी, योगी और मोदी को नहीं रोक सकती। अगर कोई योगी और मोदी को हरा सकता है तो उसका नाम बाबू सिंह कुशवाहा है। भाई मान गए, सियासत की लैला ने यह साबित कर दिया कि जब वो वफा करती है तो जफा का खौफ जहन में नहीं रखती। लेकिन बबुआ तो खौफ में थे, हिंदू वोटों की चिंता ऐसे सता रही है कि इस बार तो जनता ने उन्हें लाल टोपी के अलावा किसी दूसरी टोपी में देखा तक नहीं। और तो और, अब माथे पर चंदन का टीका लगाकर लगातार रैलियों में पहुंच रहे हैं। इसके बाद जो वोट पड़ने जा रहा है, आपके बाद जब वोट पड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भूत नाचते नजर आएंगे, कोई दिखाई नहीं देगा। देख लेना, ये जन समर्थन देखने के बाद इनके बूथों पे मक्खी मारने वाला भी लखीमपुर में नहीं मिलने वाला। अगले भी हनुमान मंदिर में और भेंटी में जा रहे, अरे भेंटी में से क्या होगा, अब पछतावा हो के जो पीड़िए चुके थे, अब क्या मिलेगा, अब भेंटी में रहो जितना लगाना, किसका लगाओ जितना लगाना। आज कल मुझे कांग्रेसियों पर भी बड़ी हंसी आती है, ये नेता जिनको आचरण करने नहीं आता, जिनको चरणामृत देने नहीं आता, वो आजकल चंदन लगा करके भाषण दे रहे हैं। यूपी के चुनाव में नारों और प्रतीक चिन्हों का अपना इतिहास रहा है, इनके जरिए यहां सत्ता आती जाती रही है। ऐसे में अब की बार यहां के मुस्लिम वोटर नाराए तकबीर के साथ जाती है या फिर टीकाधारियों के साथ, ये बड़ा सवाल है। और सीधे रुख करेंगे इस वक्त झांसी का, मेरी सहयोगी करिश्मा सचदेव झांसी से मेरे साथ बनी हुई है। करिश्मा, आखिर ये कंफ्यूजन किस बात का है और ये खामोशी क्यों? देखिए मकसूद, और इसलिए तो हम कह रहे हैं ना कि आगे आने वाले चरणों में ओवैसी का कुछ ज्यादा असर नहीं दिख रहा। वो इसलिए क्योंकि जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं वहां पर जो पुराने मुस्लिम नेता हैं वो अलग अलग पार्टियों से या फिर निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं। और इसलिए तो देखिए मकसूद, हम कह रहे हैं ना कि बाबूलाल कुशवाहा के साथ मिलकर ओवैसी की जो कोशिश है कि गैर यादव ओवैसी वोट बैंक को साधा जाए, इसमें सेंध लगाई जाए, वो कहीं ना कहीं असर डालती कम नजर आ रही है। जी मकसूद, वंदे मातरम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए जी हिंदुस्तान।